दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अश्विन इज बेस्ट जरूर लिखें, क्योंकि आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय प्लेयर्स की बहुत सारी स्लेजिंग की गई है ऑस्ट्रेलियंस के द्वारा, लेकिन जब अश्विन के साथ स्लेजिंग की गई तो अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन मेजबान टीम के कप्तान टिम पेन ने बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन का ध्यान भंग करने की कोशिश की। मैच के आखिरी दिन अश्विन और हनुमा विहारी की साझेदारी चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट लेने की कोशिश में लगे थे। इस दौरान कप्तान पेन विकेट के पीछे से अश्विन का ध्यान तोड़ने में लगे हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हनुमा और अश्विन ने 256 गेंदों पर 62 रनों की अटूट साझेदारी की। इस साझेदारी को तोड़ पाने में कंगारू गेंदबाज कामयाब नहीं हो पाए। पांचवें दिन अश्विन हनुमा की साझेदारी से हताश कंगारू कप्तान टिम पेन को एक तरकीब सूझी। पारी के 122वें ओवर में पेन को अश्विन से कुछ कहते हुए सुना गया, उनकी बातें स्टंप माइक में कैद हो गई। वायरल हो रहे वीडियो में पेन ये कहते सुनाई नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे यानी कि अश्विन से गाबा आने का इंतजार नहीं कर सकता ऐश, जिसके जवाब में अश्विन ने कहा कि तुम्हारे भारत आने का इंतजार नहीं कर सकता, वो तुम्हारी आखिरी सीरीज होगी। दरअसल टिम पेन मौजूदा सीरीज के चौथे टेस्ट की बात कर रहे थे। ये टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया टीम को वहां हराना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1988 के बाद वहां टेस्ट मैच नहीं हारी है। तो दोस्तों ये एक चैलेंज होगा बड़ा, लेकिन आज तो अश्विन ने टिम पेन को सबक दे ही दिया है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही अश्विन के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें।